गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। हम इस वक्त मौजूद है सूरत की पूर्व विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोलिंग बूथ पर लोग वोट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और अपना मतदान जो उनका अधिकार है मताधिकार का उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। बट लाइनों में आप देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि वो आज मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या कहना है? बस बदलाव चाहते हैं, उसके लिए वोट करने आए। अच्छा, कुछ बदलाव हो रहे हैं? बहुत महंगाई बढ़ गई है। बदलाव हो, महंगाई बढ़ रही है, कहना है इनका। और भी लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान भाई, क्या सोच रहे हैं आज के मतदान को लेकर, क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे? मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि पूर्व विधानसभा से असलम भाई साइकिल वाला जीतना चाहिए, क्योंकि भाजपा पार्टी कुछ कर नहीं, ना रस्ते बना रही है ना रोड बना रही है, कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, उसके लिए पूरे गुजरात में जहाँ भी मतदान हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही आना चाहिए, कि भाजपा पार्टी कुछ कर रही है। ये लोग अपने विचार रख रहे हैं, जो कि आज का दिन जो है अपने विचार रखने का नहीं, प्रचार का नहीं है। यहाँ पर और भी लोग लाइन में खड़े, उनसे तो हम बात करेंगे। पहले आप बताइए अपना नाम। साजिद शेख। साजिद भाई, क्या कुछ आज मतदान का पर्व चल रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे को तो भाई अब बहुत महंगाई हो गई है, अब हमारे को तो सब कम बजट में चाहिए, पुनर्वर्तन चाहिए, बस और दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे आज, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ऐसा कुछ कहेंगे आप? अभी तो हमारे साथ देगा वो है, अभी तो पंजों को ही देखना है अभी सबको, दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो तस्वीरें हैं सूरत का जो मजूरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की तस्वीरें हैं, माफ़ करना, ये सूरत की पूर्व विधानसभा सीट वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि बुजुर्ग माँ है, वो अपना वोटिंग कार्ड लेकर के वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। शरीर से अस्वस्थ है फिर भी अपने मतदान का जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई, उनके साथ में आए और सुरक्षाकर्मी जो है उन्होंने उनको सहारा दे करके आगे मतदान जो केंद्र है वहाँ पर भेजा हुआ है।